हाय ऑल यूट्यूबर्स, हाउ आर यू। आज मैं आप सबके सामने एक छोटा सा घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ, जो कि है किस तरह से हम अपनी टैनिंग को दूर करें। आजकल के पोल्यूशन के टाइम में हमें टैनिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाता है हमारे हाथों पे, हमारी फेस की स्किन पे, हमारे गले पे। तो हमारे घर में ही कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत सिंपली हमें मिल जाते हैं और उससे टैनिंग काफ़ी अच्छी तरह से दूर हो जाती है। गोरा काला रंग सब अपनी अपनी जगह सब ब्यूटीफुल होते हैं, बट अगर हमारा फेस पे ज़रा सी उस कलर पे भी टैनिंग आ जाए तो हमें बहुत बुरा लगने लगता है। टैनिंग किसको अच्छी लगती है? किसी को भी नहीं। तो चलिए टैनिंग को दूर करने के लिए देखते हैं कि क्या ऐसे घर में प्रोडक्ट हैं जिसको हम यूज़ करके सिंपली उस टैनिंग को दूर कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सस्ते तरीके से। इसके लिए आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो है मुल्तानी मिट्टी, जिसको फुलर्स अर्थ भी कहते हैं। इट इज़ मुल्तानी मिट्टी, इट इज़ फुलर अर्थ। ये आपको कहीं भी किसी भी किराने की शॉप पे इजीली मिल जाएगी। सेकंड इंग्रेडिएंट है, या सेकंड चीज़ आप कह सकते हैं, ये है बेसन ग्राम फ्लोर। ये भी आपको ग्राम फ्लोर कहीं से भी मिल जाएगा बहुत इजीली किसी भी दुकान से, और ये तो हमारे घर में अमूमन पाया ही जाता है। हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों प्रोडक्ट को इक्वल मात्रा में लेना है। मैंने एक एक चम्मच के करीब इनको लिया है। एक चम्मच पहले एक सिंपली एक खाली कटोरी में, या खाली जिस भी आपको जा ये फेस पैक बनाना है उसमें इसको मिक्स कीजिए। इसका कोई भी सप्लीमेंट मत कीजिएगा आप, इसको मतलब किसी भी दूसरी चीज़ से एक्सचेंज मत कीजिए। ये सिर्फ आपको मुल्तानी मिट्टी और बेसन का ही एक खाली इस तरह से एक पेस्ट सा बना लेना है। अभी मैं खाली बिना वाटर के इसको पेस्ट बना रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इन दोनों को। इसको प्रोडक्ट को आप आराम से एयर टाइट कंटेनर में 10 से 15 दिन इजीली रख सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाइए। मैं नॉर्मल वाटर यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह गुलाब जल भी मिला सकते हैं, बट मुझे इसको नॉर्मल ही सादे पानी में ही पेस्ट बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है और इसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। आप चाहें तो आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं और रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, बट जिनकी स्किन ड्राई है वो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि इस पैक को लगाने के बाद और जब आप ठंडे पानी से धो लें इस पैक को, तो उसके बाद अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कीजिए। ये देखिए, एक ये बड़ा इजीली घर में ही पैक बन गया है मुल्तानी मिट्टी और बेसन का। मैं इसको अपने हाथ पे अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ, बट आप इसको अपने फेस पे, हाथ पे, गर्दन पे, जहाँ पर भी टैनिंग है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब ये इस तरह का पेस्ट बन जाएगा, इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट सूखने दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। एकदम ठंडा भी नहीं, जो नॉर्मल वाटर आता है उससे। आप देखेंगे कि आपकी टैनिंग, अगर आप इसको इस पैक को हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ करेंगे, ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक, तो आपकी टैनिंग बहुत अच्छे से गायब हो जाएगी, बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप आगे कौन सी वीडियो बनवाना चाहते हैं। थैंक यू।